हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं किनी मास्टर के एक फीचर के बारे में बताऊंगा जो फीचर आपने देखा है लेकिन आपको पता नहीं उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो फाइल और एक टेक्स्ट और एक ऑडियो फाइल ऐड की हुई है किनी मास्टर में। तो यहाँ पर मुझे एक स्टार्टिंग में एक नया फ़ोटो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने फ़ोटो सिलेक्ट की, तो मुझे क्या करना है, अब टेक्स्ट जो मेरे जो टेक्स्ट फाइल है और जो ऑडियो फाइल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी मुझे इस फ़ोटो में ऐड करनी है। तो ये टेक्स्ट वगैरह, तो मैं इसे टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और इसे पीछे स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट तो एडजस्ट हो गया, लेकिन जब आप ऑडियो पर क्लिक करता हो उसे पीछे सरकाने की कोशिश करते हो तो ये होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पहले इस फ़ोटो को डिलीट कर देना चाहिए और फिर इस ऑडियो पर क्लिक करना है और इस पिन ऑप्शन आपको दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना है। अब आपको जो ऑडियो फाइल जो ऐड करनी है, जो आपको फ़ोटो ऐड करना है उस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडियो फाइल स्टार्टिंग से एंड तक ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब सिर्फ आपको टेक्स्ट फाइल को एडजस्ट करना है। तो यही है वो नया फीचर दोस्तों, पिन का ऑप्शन। अब आपको समझ में आया होगा कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।